हेलो दोस्तों, गूफी टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जहां हम आए हैं दोस्तों, आप भी हैरान हो जाएंगे देख के कि इतना लग्जीरियस होटल सिर्फ और सिर्फ पेट्स के लिए। जहां देखिए आप, जैसा देख पा रहे हैं, कैट्स रहती हैं क्वीन की तरह और डॉग रहते हैं किंग की तरह। और ये बहुत ही लग्जीरियस होटल है और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग को देख कर ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा और शानदार होटल सिर्फ डॉग्स के लिए बनाया हुआ है। देखिए ख़ास तौर से उनका पूरा का पूरा पोस्टर भी लगा हुआ है। आप बाहर से बिल्डिंग देख के ही समझ गए होंगे कि हाँ, डॉग्स को क्योंकि यहाँ और किसी का कोई भी बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ डॉग्स के रहने के लिए है। और तो चलिए अंदर हम देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, एक छोटा सा डॉग हमको घुसते ही मिल गया। ये बहुत ही प्यारा और 6 मंथ पपी है सिडजू का। तो चलिए चलते हैं रिसेप्शन की तरफ और उनसे पूछते हैं यार क्या क्या सुविधाएं हैं और डॉग्स के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलते हैं रिसेप्शन को देखते हैं। ये है रिसेप्शन का एरिया, आप देख रहे होंगे यहाँ से दिख रहा है। ये रिसेप्शन पे आ गए हम लोग और हाँ बात, चलिए पूछते हैं क्या टॉयलेट है। अच्छा, इसकी पिक्चर ले, वीडियो ही ले लेती हूँ, मैंने वीडियो लिए हैं साथ में। ठीक, कौन सा स्वीट देखना है आपको? दो स्वीट है ट्विंस के बगल में जो आपने दिखाया, जिसमें वो भी है बालकनी भी है। रॉयल स्वीट जो है येलो बेड वाला जो था। हाँ तो आ गए हम देखिए फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर यहाँ सिर्फ पेट कैट्स रहती हैं उनके लिए ये सुंदर सोफे है। थोड़ा रेनोवेशन यहाँ हो रहा है, इस वजह से मैं पूरा नहीं दिखा पाऊँगी। तो अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और वहाँ जा करके देखते हैं कि डॉग्स के लिए किस तरह के रूम है और क्या। देखिए कितना साफ़ सुथरा और यहाँ डस्ट का एक पार्टिकल भी नहीं है। कितना अच्छा यहाँ का एम्बियंस भी है, शांति, बिल्कुल होटल जो लग्जरी हम वहाँ पे फील करते हैं 4-5 स्टार पर, सेम वही है। अभी बोर्डिंग में है ये अपने, कौन है ओनर? जेडी इसके ऊपर पूरा बेड पे लेवल आ जाएगा। ये अच्छा ऊपर से ओपन है, आसपास भी है तो इनको मन भी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो यही सेटअप वहाँ कर रहे हो आप सेम? ये भी आपका अपने क्या ब्रीड है? ये तो बहुत बहुत नहीं, पहले मैं ये देख लूँ जो मेरे को पता है। ये डीलक्स रूम है, इसमें क्या फैसिलिटी? अच्छा पूरा बेड रहेगा। इसके क्या चार्जेस बताए थे उन्होंने? अच्छा अच्छा इसमें एसी नहीं है? अच्छा पूरी बिल्डिंग में ये कंडीशन है। बताओ आप, बताओ सी साइलेंट है, इसमें प्रायोरिटी है क्रिटारिटी? क्रिटारिटी बहुत अजीब नाम है, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा ये कौन सा रूम है? क्रिटारिटी सुइट। ओके, इसमें बालकनी है इसलिए बहुत शौक होता है मेरे वाले को, बहुत है।
और डॉक्टर्स वेट हमारे शिफ्टिंग की वजह से नहीं है यहाँ पे, बाकी अभी बाकी हमारा टाइप है नीति बार, नीति बार जो ग्लैडियम है, नीति बार में अगर वो ले लूँ आपका, आपका ले लूँ, चिकन राइस है, कर्ड राइस है, वेजिस है, एग पनीर और ना, कितने टाइम खाना देते हो? जैसे पानी वगैरह सब मिनरल वाटर, मैं अपनी तरफ से जैसे मेरे डॉग को फूड एलर्जी है तो अपना खाना है या उनकी टॉयज के बिना नहीं रहता है वो दे सकते हैं। हमारे पास हम हाँ वो देख रही हूँ, आपने सभी रूम्स में देखा होगा टॉयज, टॉयज सारे रूम में, हमारे ऊपर प्ले एरिया है, प्ले एरिया में भी ये सेम इनकी अपनी ओन है। अच्छा ये स्टैंडर्ड या डॉग का वगैरह नाम वगैरह रहता होगा ना, फूड एंड क्या वो खाता है अलग से प्ले एरिया है वो भी देखते, जो पसंद आएगा वही। हाँ अपने घर वालों को भी आना चाहिए। अच्छा मान लो दो हुए, हाँ नहीं वो दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इतना अकेले रहेंगे वो भाई, इसमें भी बालकनी, एसी अभी निकले हुए वहाँ पे मिलेंगे, एसी वहाँ एसी मिलेंगे, प्ले एरिया मिलेगा आपको पर्सनल। अच्छा मैं कर लिया एक क्वीन शेयरिंग रॉयल स्वीट, ये भी ये स्टैंडर्ड रूम है ठीक, फैमिली के पूरे डॉग, फैमिली के सारे डॉग आ गए ठीक है, साफ सुथरा रह सकते, मुझे ऊपर और दिखा दीजिए प्लीज। लिफ्ट भी आपकी बंद हो रखी है, मैं सभी से बंद देखती हूँ, आपको दो बार मीटिंग करानी पड़ेगी है ना, वो थोड़ा सुसु उसको का ज़्यादा शौक है। ये पे प्ले एरिया, अच्छा बोर्डिंग कहाँ? नीचे जो बोर्डिंग एरिया है। अच्छा जिसमें से हम आए हैं तो अभी तो मुझे दिखे नहीं ज़्यादा, ऐसा क्यों? काफ़ी चेकअप हो चुका है। अच्छा आप कब से हो यहाँ पे? मन मन तो आपने कितने देखे यहाँ पे डॉग्स? फिर उसने देखा दोस्तों ये कितना शानदार और एक बहुत लग्जरियस होटल था, जब आप अपने डॉग को इतना प्यार करते हैं तो उसको यहाँ पे ला सकते हैं, उनको बोर्ड करा सकते हैं, उनको एक अलग ही लाइफ यहाँ पे लाइफ का आनंद मिले, तो यहाँ पे आए और ज़रूर अपने डॉग को